हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अभी मायके में हूँ, रक्षाबंधन में आई थी तो यहीं रुक गई क्योंकि भाभी अपने मायके चली गई थी। और कहा जाता है कि पंचक घुस गया था, तो इस पंचक में 5 दिन तक जो सवासिन होती है, यानी कि बेटी, तो वो अगर अपने मायके चली गई है या ससुराल चली गई है तो इस 5 दिन के भीतर कहीं आना जाना नहीं रहता है, तो हम लोगों को रुकना पड़ा यहाँ पर। तो आज मैं आज जन्माष्टमी है तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। और आज हो सकता है मैं अपने मम्मी पापा मुझे रुपये देंगे और मैं मार्केट जाऊंगी शॉपिंग के लिए। और इसके बाद आज भाभी अपने मायके से भैया अपने ससुराल से आ रहे हैं, तो मैं जहाँ जाऊंगी शॉपिंग करने तो वहाँ पे गंगा जी है, यानी कि कहलगांव में गंगा घाट है, बहुत मस्त है। अगर मैं बाइक से जाऊंगी, हेलो, बाउंड्री में बकरी घुस गई है और फूलों को चबा रही है क्योंकि जो गेट है वो थोड़ा खुला हुआ है। मौसम बहुत सुंदर है, बहुत ठंडक पहुंचाने वाला है। तो ये मेरे मायके का घर है, ये वाला न्यू बना है, इससे पहले है वो आपको दिखेगा नहीं, पुराना वाला। तो गंगा घाट है, मैं बता रही थी, वहाँ पे टापू है, 2 टापू है। मम्मी कल गई थी नहाने के लिए, कल संडे था तो मम्मी लोग सिंह का इतवार की थी, तो सिंह का इतवार में नहाने गई थी तो फिर बहुत भीड़ था और गंगा जी का पानी भी बहुत ऊपर तक आ गया है, यानी सीढ़ियों तक पहुंच गया है। अगर मेरे पास टाइम रहता तो मैं जाती उस टापू के पास अपनी बेटी को लेकर के। अगर मैं बाइक से जाऊंगी तो आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी गंगा घाट। और अगर मैं टोटो से जाऊंगी, हस्बैंड बोल रहे हैं कि टोटो से चलो क्योंकि अदिति है और बाइक है अपाची भैया का, तो बाइक अपाची है तो ऊंचा रहता है, मैं अदिति को लेकर के बैठ नहीं पाऊंगी सही से बाइक पे, और रोड भी बहुत ऊबड़ खब्बड़ है और मेरी बेटी गिर सकती है, तो इसीलिए हम लोग चलेंगे टोटो से। इस बकरी को मुझे भगाना होगा, इस बकरी को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो ये जितने भी फूल हैं नीचे भी हैं तो ये सभी ये खा जाएगी। अरे बकरी, चलो भागो यहाँ से। तो इधर भी गेट है, मेरे घर में बहुत सारा गेट है। अगे माय, मम्मी को माय बोलती हूँ मैं, वीडियो कॉल नहीं है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये मेरी मम्मी है, हाँ अभी खाना बना रही है, पक गई। तो उधर से मैं निकली, इधर से घुस गई, बहुत बड़ा घर है। मैं छत पर जा रही हूँ, मम्मी बोल रही है मैंने बोतल में कल तेल ऑयल मतलब कि क्या बोलते हैं सरसों का तेल डाला था और ख़त्म हो गया। आज ख़त्म इसलिए हुआ क्योंकि कल पापा ने मुझसे पकौड़ी बनवाया था, पापा कल पकौड़ी बनवाए थे, फिर रात में मुझसे आलू पराठा बनवाए थे एंड इसमें ख़त्म हो गया। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं चल रही हूँ छत पर। मेरी हालत आप देख सकते हो क्योंकि अदिति ब्रेस्ट फिटिंग करती है, तो भैया बहुत दुख पीती है, वो बहुत दूध नहीं पीती है मेरी बच्ची, सॉरी। तो इसलिए मैं दुबली पतली हो गई हूँ। ये मेरा मायके का छत है, बहुत सुंदर है गाइज, आप सामने से देखोगे तो बहुत सुंदर है। मेरा ससुराल का घर इतना बड़ा नहीं है, मेरे पापा ने बहुत बड़ा घर भैया के लिए बना दिए हैं। इसके बाद छत पर अगर जाती हूँ 2 मंजिले पे तो वहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, क्योंकि गाइज मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि भाभी यहाँ नहीं है एंड मायके चली गई। अगर वो यहाँ रहती तो खाना पीना वही बनाती, मायके अपनी चली गई है तो मुझे खाना पीना बनाना पड़ता है, क्या करूँ। इसके बाद मम्मी मेरी है तो वो थोड़ा हेल्प करती है, चिड़चिड़ी भी हो जाती है खाना वाना अगर बनाती है तो, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला जाने का कहीं। अब मैं क्या करूं, टाइम नहीं मिला जाने को, आपको दिखाती हूँ। देख लो मेरे पीछे वो जो पहाड़ दिख रहा है,
शिव जी का मंदिर है सबसे ऊपर में, बहुत सुंदर बहुत सुंदर है। बचपन में हम लोग वहाँ पे शिवरात्रि और सोमवारी करने जाते थे। छत पर से व्यूज बहुत मस्त है यार, देख सकते हो आप। बगीचा ही बगीचा है, आम का बगीचा। और खूबसूरत चीज़ है मेरे गांव का, क्या आपको मैं NTPC दिखाती हूँ। NTPC देखो बगल में ही है। इस NTPC की वजह से मेरा गांव जो है खूबसूरत दिखता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से जो लाइट आता है ना, लाइट का प्रॉब्लम यहाँ नहीं होता है ज़्यादा। मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा लाइट का प्रॉब्लम होता है, मेरे ससुराल में हर चीज़ का प्रॉब्लम होता है। और देखो वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, छत पे धूप है। काली मंदिर है, काली मंदिर है। गांव मेरा बहुत बड़ा है, मेरे मायके का गांव जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और मेरा ससुराल, इसका आप लोग सोचोगे हर बात में ससुराल से कंपेरिजन करती है, सॉरी वो मेरा अपना घर हो चुका है, नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत मज़ा आया, एंजॉय किए। मैं 6 महीने से अपने मायके नहीं आई थी। मेरी अदिति जब 1.5 महीने की थी तब मैं मायके से आ गई थी, अब मेरी अदिति आ गई। अदिति को तो यहाँ बहुत ज़्यादा मन लगता है क्योंकि वो सबका गोद में जाती है, सबके साथ खेलती है, सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। चचेरा भाई जो है वो, चाची, फिर चचेरी बहन, मेरे पापा भाई में अकेले हैं, मेरे दादाजी 2 भाई थे तो उन्हीं का पोता पोती एंड बेटा सब खिलाते हैं। तो मैं भी जा रही हूँ नीचे, मेरी अदिति अभी सोई है दूध के, एंड मैं जा रही हूँ अब नहा लूँगी, और होगा तो मैं टोटो से ही जाऊँगी। और टोटो वाले को बोलूँगी भैया थोड़ा दिखा दो गंगा घाट। अगर वो दिखाते हैं तो मैं पक्का आप लोगों को गंगा घाट दिखाऊंगी। मेरी अदिति सोई हुई है, हाँ भाई सोई हुई है। एंड मेरे हस्बैंड जी का तो भैया जो है वही लगा रहता है हर जगह, चाहे मायके में रहे, ससुराल में रहे, चाहे कहीं भी कुटमैती जाएं, तो यही ये करते हैं जो है। कि मैं एक बात बोलूँ तो ईयरफोन, हेडफोन एंड मोबाइल मेरी सौतन है, सौतन एक नंबर की, खाली झगड़ा करवाते रहती है। हम दोनों में इसी वजह से ज़्यादातर झगड़े होते हैं। एंड मेरी अदिति भी अगर रोती है तो इसी हेडफोन मोबाइल के वजह से। हाँ तो कुछ आप कहना चाहते हैं? ऐसे ही और कुछ नहीं। तो गाइस इन्होंने सबसे बड़ी बातें बोल दी, हा हा ही करके। देखते हैं क्या बोलते हैं, सुनते हैं। बाइक से चलो सबने मेरे, बाइक से चलेंगे या फिर टोटो से? टोटो से तो आप हमको गंगा घाट ले जाएंगे प्लीज। गंगा घाट हम जाएंगे, हमको बहुत पसंद है गंगा जी देखना। हाँ हर जगह बिचारे करते रहेंगे पागल आदमी। तो मैं फिर से जहाँ से घूम रही थी वहीं पे फिर आ गई, क्योंकि ये बरांडा है द्वार पे, व्यूज भी अच्छा ही है। ये वाला न्यू बना है, ये जो है ना न्यू बना है, न्यू डलाई हुआ है। तो देख लो भैया फिर बकरी आ गई, मैंने दरवाज़ा नहीं लगाया, आप लोगों से बात करने में ना मैं भूल गई, बकरी आ गई फिर से सारा फूल खा जाएगी। समझ में नहीं आता ये आती किस तरह से, किधर से, क्योंकि दरवाज़ा तो लगा हुआ है शायद मैं उस टाइम। अरे चलो बाहर निकलो, आ इधर इधर आ, मैं दिखाती हूँ बाहर बहुत सारी बकरी बैठी हुई है, मैं देख सकती हूँ। ये बाहर जाने का रास्ता है और उधर से ही बकरी आती है। चलो बाहर निकलो फिर, कैसे दौड़ रही है। तो ये फाइनली बाहर निकल चुकी है, पापा इधर से बाहर गए थे तो मम्मी का मैं साड़ी पहनी हूँ, मैं ज़्यादा कपड़े लेके आई नहीं थी,
क्योंकि एक बार कपड़े मैं बहुत सारे लेके आई थी ट्रॉली में भर के, बड़ा वाला ट्रॉली में, तो लाने और ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, इसलिए मैं सोच ली थी कुछ दिन रुकूंगी, मम्मी का साड़ी पहन लूँगी। एंड एक दो सूट लेके आई थी एंड और सारे के सारे कपड़े मेरी अदिति के हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं जाती हूँ बाइक से गंगा घाट या टोटो से भी जाऊँगी तो हस्बैंड विचार करके मुझे बताएंगे कि जाना है कि नहीं। अगर टाइम रहा तो मैं पक्का जाऊँगी। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, बने रहिए। धन्यवाद।